की बात बयान की जा रही है तो उस अजीब सूफी की बारगाह में हम खड़े हैं जिनका नाम हुजूर ख्वाजा बिहार सैयदना सैयद शाहबाज़ सुफ़ानी रहमतुल्लाह अलैह है, जिनका बचपना भी बड़ा शानदार था और जिनकी जवानी शानदार थी। दुबले पतले थे, लोगों ने कहा अरे आप कहाँ जाए, हज क्यों जा रहे हैं, कमजोर है, बोले कि चलेंगे हम तो जाएंगे और कहेंगे। और पाक में याद आ गया और अल्लाह ने बड़ी नेमतें, आपने मुझे पहले भी सुना, बड़ी नेमतें आता था इनकी बारगाह में पहुंचेगी, बुजुर्गों की बारगाह में तो जिंदे मुर्दे बराबर। जिनको आप मुर्दा कहते हैं अल्लाह वाले होंगे तो वो जिंदा है। तो अब ये एक फिक्र बन गई, लेकिन इन बुजुर्गों ने तजर्बे करके बताया कि मैंने उनसे मुलाकातें की। हजरत इब्राहिम इब्ने आदम से मुलाकात जानते हुए फरमाई, हजरत ख्वाजा ओवैसी करनी से बेदारी में मुलाकात, और फरमाते कि सुनो मैं कभी तो गौसे पाक की बारगाह में गया नहीं हूं, लेकिन मुझसे कोई जाने वाला पूछ ले कि कहां पर क्या है तो मैं उसको बताऊंगा। और मौला अली से ऐसी मोहब्बत भी फरमाते कि मैं जब भी मुराकबे में जाता हूं और देखता हूं तो देखता हूं कि मेरे एक कांधे पे ख्वाजा गौसे पाक का कदम है तो एक कांधे पे मौला अली का कदम। ये नवाजिशें बुजुर्गों की होती है, जब कोई आगे बढ़ता है तो ये वो आगे बढ़ाते हैं। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जब आप इस्लाम में दाखिल हैं फिर उसके बाद अमल करते तो ईमान वाले होते हैं, और जब उससे आगे बढ़ते हैं तो एहसान वाले होते हैं, और जब एहसान वाले होते तो ये अल्लाह वाले होते, ये अल्लाह वाले होते। यहां अल्लाह तक पहुंचने की बात होती है। अल्लाह के रसूल से पूछा कि इस्लाम क्या है, सरकार ने फरमाया ईमान क्या है बता दिया, फिर पूछा एहसान क्या है तो सरकार ने फरमाया अंतअबुदल्लाह, अल्लाह की इबादत ऐसे करना जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे। अब थोड़ा ये तो बहुत मुश्किल है, कहा कि अगर ऐसा ना हो सके वह इल्लम तकुन तरा, अगर ऐसा नहीं हो सके कि तुम उसको देख रहे हो इन्नहु यरा, वो तो तुम्हें देख ही रहा, अगर ये तसव्वुर रहा वो देख रहा है। हम दम हम बैठे हैं, क्या ये तसव्वुर मैं देख रहा हूं, ये तो आपका तसव्वुर हो रहा है ना, और ये तसव्वुर है कि अल्लाह भी देख रहा है। नहीं, अल्लाह सोच के देखिए तो आपके बदन के रोह पे खड़े हो, हम उस बादशाह की और उस शहनशाह की निगाहों में है जिसने सारी कायनात बनाई। अरे हम तो ये कहते हैं कि वो रहमान और रहीम जिसने हमेशा कुरान मजीद कहा गया जब सूरह शुरू करो तो रहमान और रहीम से शुरू करो, तो हम तो अल्लाह से रहमत की उम्मीदवार है, तो वो इतना करीब है कि उसके हाथ में मेरी जिंदगी, उसके हाथ में जिंदगी, उसके हाथ में जिंदगी है, हम जिंदगी की भीख भी उसी से मांगते हैं जिसके हाथ में मेरी मौत है। خلق الموت والحیات, موت اور حیات پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے, ہم تو اسی سے زندگی کی بھی مانگتے ہیں جس کے ہاتھ میں موت ہے, جس کے ہاتھ میں کائنات ہے, جس کے دست قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے, وہ جب کسی کو اپنا بنا دیتا ہے جن کا قریب ہو گیا موت پہ تاؤ دیتا ملتا, اس کا بیگ بھی بھر جاتا ہے, کہاں گیا اس کے لیے صدر میں کرسی لگائی گئی, और दुनिया के किसी ऑफिसर के करीब जाके इतना मिल जाता है तो अल्लाह के करीब जाके किसी को कितना मिलता होगा, अभी इसको और दिया है अल्लाह कितना देता होगा और क्या देता होगा।